रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आलू गोभी की सब्जी, जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे और इसमें डालेंगे हम तेल, काफ़ी सारा तेल लेना है क्योंकि हम इन्हें फ्राई करने वाले हैं। आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डीप फ्राई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने कटे हुए आलूओं को फ्राई करने के लिए तेल में डाल दिया है। आलू को अच्छे से धोकर उसे छील लीजिए और फिर इस तरह से टुकड़ों में काट लीजिए और इन्हें अच्छे से हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से ये लाइट गोल्डन हो चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम गोभी डालेंगे, तो गोभी को भी अच्छे से काट लीजिए फ्लोरेट्स में। इस तरह से थोड़े बड़े पीसेस रखिएगा ताकि अच्छे से ये दिखे सब्जी में। तो इन्हें भी अब फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, गोभी भी फ्राई हो गई है, तो इसे भी निकाल लेते हैं हम और एक किचन ताल में निकाल के रख लेंगे ताकि जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब इसी तेल को मैं कम कर लूँगी, तो मैंने अब केवल 2 चम्मच तेल रखे हैं कढ़ाई में। इसे गर्म होने देते हैं। गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा। जीरा हमारा ब्राउन हो गया है, तो इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 2 छोटे प्याज लिए हैं जिसे इस तरह से बारीक काट लिया है। इसे चला लेंगे हम। प्याज हमारे हल्के से भून चुके हैं, तो इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, लंबाई में कटी हुई 2 हरी मिर्च, और इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। तो प्याज अच्छे से भून चुकी है और इसमें डालेंगे अब हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और मसालों को भी हम प्याज के साथ अच्छे से 30 से 40 सेकंड के लिए भून लेंगे। मसाले भूनते टाइम गैस का फ्लेम हमेशा लो रखें। तो मसाले भी भून चुके हैं, अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ किया है, और टमाटर अच्छे से गल जाएं तो इसमें हम नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। इन सबको मिलाते हुए टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। करीबन 3 से 4 मिनट बाद हम मसालों को एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो बीच में एक बार और मिक्स कर सकते हैं अगर आप नॉनस्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल लिया है 2 बड़े चम्मच दही और इसे लगातार चलाते रहेंगे हम करीबन 1.5 से 2 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच कसूरी मेथी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। और इसे मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसे ढककर हम थोड़ी देर पका लेंगे, करीबन 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद आप देखेंगे कि इसने बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो अब मसालों को एक बार और हम मिला लेते हैं। और इसमें अब हम गोभी और आलू को डाल लेंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाला है वो आलू और गोभी पे अच्छे से कोट हो जाए
अब बस हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, तो ढककर भाप में हम इसे पका लेंगे। तो करीबन 2 से 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेते हैं और सब्जी को एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और अब बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी गोभी आलू की सब्जी एकदम तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी और पराठों के साथ। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।